आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर अर्की जलाना और मांजू सड़क के खस्ता हाल को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से करीब एक वर्ष से इसको सुधारने की मांग कर रखी है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से सड़क को दुरुस्त करवाने की गुहार लगाई है, ताकि सड़क की खस्ता हालत के चलते भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो सके। स्थानीय लोगों के अनुसार इन सड़कों की मुरम्मत ना होने के कारण जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे और सड़क के किनारे कई जगहों पर मलबे के ढेर लगे होने के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगभग एक वर्ष से अर्की लोक निर्माण विभाग के हर छोटे बड़े अधिकारी के पास इस सड़क की दुर्दशा सुधारने की गुहार लगाई जा रही है, परंतु आज तक विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। स्थानीय लोग मुख्यमंत्री शिकायत निवारण नंबर 1100 पर बैठे अधिकारियों की कार्यशैली से भी अच्छे खासे नाराज है। लोगों का कहना है कि यह नंबर लोगों की भावनाओं से मजाक करने के लिए बनाया गया है। नाम अजय सिंह है और मैं गांव राहू का निवासी हूं। मैं पेशे से वकालत करता हूं और मैंने इस रोड की कंप्लेंट मार्च के महीने में 1100 नंबर पर की थी। उसके बाद आज लगभग 6 महीने हो गए उनकी तरफ से सिर्फ मुझे बार बार उन्हीं की तरफ से कॉल आती रही और दिन में कम से कम दो बार वो कॉल करते थे। जैसे मैंने एक बार नहीं रिसीव की तो दोबारा कॉल करते थे, तो मेरे पास यही जवाब आता था कि जी जो आपका रोड है ये PMGSY स्कीम में है और इसको हमने ठेकेदार को बोल दिया है और वो काम करेगा। और 6 महीने तक उनका एक ही जवाब आता रहा। बाद में मैंने उनको ये बोला कि आप मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ, क्योंकि ना आप तो रोड को तो आप ठीक कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि आप दोबारा भी कंप्लेंट कर सकते हैं करना चाहें। मैंने उनसे सीधा कह दिया कि आप कोई फायदा नहीं मेरे कंप्लेंट करने का, क्योंकि 6 महीने में जब आपने कोई सॉल्यूशन नहीं किया। शुरू में तो उनका मानना था कि लॉकडाउन है जी, उन्होंने शायद मई या जून महीने में इस रोड में पैचिंग वर्क करवाया था, लेकिन वो भी मतलब एक फॉर्मेलिटी थी। जो आधा रोड था शलाघाटी तक, उसकी हालत इतनी खराब है कि मैं रोज बाइक लेके जाता हूँ अर्की रोड के लिए, तो मतलब इतना रिस्क होता है कि कहीं गाड़ी आएगी उसको पास हम नहीं दे सकते। अगर पास देने के चक्कर में कहीं भी बाइक भी गिर सकती है या गाड़ी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें डिपार्टमेंट करे कुछ। मैंने आज भी SDO साहब से फोन पर बात की है कि आप इस रोड के बारे में कुछ तो देखो, तो उनका ये बोलना था जी कहाँ खराब है। मैंने कहा आप अर्की से चेक करो इसको और राहू तक, अर्की से राहू तक इस रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, पर ये भी डिपार्टमेंट कोई हमारी कई बार हमने शिकायत कर दी है। हम शुरू में जाके एक्शन साहब से मिले भी थे, उनको बताया था कि जी रोड क्या है, पर ये डिपार्टमेंट हमारी कोई जो हमारी शिकायत थी उसको पूरा नहीं करता। मैं तिलकराज शर्मा पेशे से अधिवक्ता हूँ और ग्राम राहू का रहने वाला हूँ। आज आप लोगों के माध्यम से मैं ये जो अर्की जलाना और अर्की मांजू की सड़क है इसकी खस्ता हालत के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। विभाग के जो अधिशासी अभियंता है, जब उन्होंने अर्की में ज्वाइन किया था तो इस रोड के बारे में हमने उन्हें अवगत कराया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस रोड के बारे में निश्चित रूप से वो जल्द से जल्द ठेकेदार को काम देंगे और उसको दोबारा ठीक करवाएंगे। लेकिन पिछले 8 महीनों से इस रोड की इतनी दयनीय स्थिति बन चुकी है कि कभी भी किसी भी समय इस रोड पर कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो पुल हमारा जो अर्की खड्ड पे पुल बना हुआ है उसके साथ ही एक बड़ा भारी मलबा गिरा हुआ है और अभी भी वहाँ पर मलबा गिरने के चांसेस है। विभाग को कहने के बावजूद भी विभाग ने वो मलबा वहाँ से नहीं हटाया है। वैसे ही मंदिर के पास भी मलबा है जहाँ पर पहले हादसा हुआ है, 8 लोग उस बस हादसे में गिरे थे, मरे थे, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी इस रोड की कोई सुध नहीं लेता है। इस बारे में जब विभागीय किसी भी अध्यक्ष से हम बात करते हैं, चाहे वो जेई हो, SDO हो, चाहे एक्सिन साहब हो, कोई कुछ करके राजी नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये विभाग के समक्ष जरूर लाना चाहूंगा कि अगर इस रोड का कार्य विभाग ने 1 महीने के अंदर शुरू नहीं किया तो निश्चित रूप से हम सभी को आंदोलन करना होगा, जिसके लिए विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा।
पंचायत रोहांज जलाना के पूर्व उप प्रधान महेंद्र गर्ग ने इस बारे में कहा कि इस सड़क के इतने बुरे हालात हैं कि गड्ढों व पहाड़ी मलबे के अलावा सड़क के किनारे बनाई गई सीमेंटेड नालियां भी मलबे व घास से भरी हैं, जिससे वर्षा के जल की निकासी न होने के कारण सड़क की दुर्दशा हो गई है और इस बारे में समय समय पर विभाग को विभिन्न माध्यमों से सूचित किया जाता रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि इस सड़क की मुरम्मत की जिम्मेवारी 5 वर्षों तक ठेकेदार की है, परंतु विभाग व सरकार ठेकेदार से इसकी मुरम्मत करवाने में असफल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि 1 माह के अंदर सड़क की मुरम्मत नहीं होती है या इसका कार्य शुरू नहीं होता है तो लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। पिछले कार्यकाल में मैं थोड़ा सा सरकार की समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ दो रोड के बारे में, जिनमें एक अर्की से जलाना जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण हुआ है और इसमें बीच में एक सलाह घाटी जगह है, उससे आगे जो माजू रोड है वो नाबार्ड के अंतर्गत बना है। तो इस इन दोनों ही सड़कों की हालत जो है खस्ता है और काफी समय से स्थानीय लोगों ने भी इस बारे में दूरभाष के माध्यम से भी कई बार विभाग को अवगत कराया और यहाँ जो संगठन बने हैं उन लोगों ने भी विभाग को इस सड़क की खस्ता हालत के बारे में अवगत कराया, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक विभाग ने इसकी अनदेखी की है, लोगों की शिकायतों की अनदेखी की है, जो कि ऐसे की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जबकि आजकल वैसे ही सड़क की और भी ज्यादा हालत खराब है, 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं हो सकती, गड्ढे पड़े हुए और इसमें जो नालियां बनी है सीमेंटेड नालियां बनी है लेकिन वो सारी बंद है, आप देख सकते हैं सारी नालियां बंद है, जिससे क्या है कि जो पहाड़ी का पानी है सड़क का पानी है वो सारा सड़क में आ रहा है, जिससे कि सड़क को और नुकसान हो रहा है। तो हमारे आप लोगों के माध्यम से ये है विभाग को भी ये हिदायत दी जाए कि नालियों का भी काम करें और साथ में इसमें जो जहां गड्ढे पड़े हैं और जो रोड है उसको भी दुरुस्त किया जाए ताकि कोई हादसा ना हो, अन्यथा इन दोनों ही सड़कों में किसी भी वक्त किसी भी हादसे होने की पूरी संभावना है। जबकि इस रोड पर जो सलाघाटी जो मंदिर है वहां पर दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और बिल्कुल उसी पॉइंट पर अगर आज भी अगर विभाग के अगर कर्मचारी देखें हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं बात को, अगर वहां देखें तो वहां मलबे का ढेर लगा हुआ है उसी पॉइंट पर और जबकि आज तक भी वो मलबा नहीं उठाया, जबकि बार बार इस बारे में अब विभाग को सूचित किया गया। अर्की जलाना और अर्की मंजू सड़क ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है और 5 किलोमीटर भी चली है, इन सड़कों के जो मेंटेनेंस है वो कॉन्ट्रेक्टर नहीं कर रहा है और मेरे ध्यान में है और जल्दी ही दोनों सड़कों की मेंटेनेंस और दूसरा कार्य शुरू करेंगे और जल्दी ही कार्य करेंगे। इस बारे में जब अर्की लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रवि कपूर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अर्की जलाना और अर्की मांजू सड़क PMGSY योजना के तहत बनाई गई है व 5 वर्षों तक मुरम्मत कार्य ठेकेदार के पास है, यह मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही सड़क मुरम्मत का कार्य शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। अर्की जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए शहनाज भाटिया की रिपोर्ट।